सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़मान मोटरवे स्कैंडल में पा मथा लगल गोबिन जहा इल्ज़ाम रद्द कर छा संद चवण है तो गोबिन जहा इल्ज़ाम लगाए संदस खानदान की साख खराब करण की कोशिश कई पे वे स्कैंडल में मुलविस हुजण जा सबूत मिली विया त हू न रुगो वज़ारत पर सियासत बि छॾे ॾींदो। रेवेन्यू खाते जो सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़मान सूबाई वजीर सईद गनी सां गॾु सिंध असेंबली में कयल प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मोटरवे स्कैंडल में गोबियन बाबति लॻल समूरनि इल्ज़ामनि खे रद्द कंदे चयो त मोटरवे स्कैंडल सां मखदूम खानदान खे जोड़े संदसि ऐं खानदान जी साख खे ख़राब करण जी कोशिश कई पई वञे। जेकॾहिं स्कैंडल में मुलवस हुजण जा सबूत मिली विया त हू न रुगो वज़ारत पर सियासत बि छॾे ॾींदो। संदसि चवणो त मोटरवे स्कैंडल में डीसी मटियारी करप्शन कई आहे जंहिंसां मखदूम खानदान जो को बि तालुक़ु न आहे। हैदराबाद सखर M6 मोटरवे का जो एक स्कैम सामने आया है, बदकिस्मती से जिस तरीके से इस इशू को पॉलिटिसाइज किया गया और हमारे फैमिली को इसमें इम्प्लिकेट किया गया इनडायरेक्टली के नॉन रेगुलेटेड बॉडी जो सोशल मीडिया है उनकी उड़ती उड़ती खबरों पे हमें हमारे नाम जोड़े गए स्कैंडल के साथ। इसमें जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट डिप्टी कमिश्नर करता है, उसकी एक नोट भेजा जाता है कमिश्नर हैदराबाद को या किसी भी डिवीजन के कमिश्नर को और ये वहाँ से अपॉइंटमेंट होती है। इस खरीदारी की जो लेन देन है, अगर कोई ऐसा एविडेंस हो कि वहाँ की एक पॉलिटिकल फैमिली के तौर पे हमने किसी सेलर को या किसी बायर को हमने इन्फ्लुएंस किया हो, पर्सनली किसी को बुला के हमने सिफारिश की हो उस मैटर पे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर तफ्तीश अभी जारी है और आई एम श्योर कि ये एक लंबे एक लॉन्ग ओवरहॉल होगा इसका, ये चलती रहेगी, अगर इसमें डायरेक्ट कहीं पे भी ये एविडेंस इस्टेब्लिश हो जाता है कि मेरा बतौर मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू या हमारे फैमिली का या मेरी पार्टी का इसमें कोई भी लिंक है तो फिर हम जवाब दे हैं यकीनन। मेरे लिए ये वजारत की कोई अहमियत नहीं है। मेरा वो ख़ानदान है जिसने पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप को ठुकराया है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। मेरे वालिद ने CM सिंध की पोस्ट को ठुकराया जब 2002 में 2004 में ये हुई थी। इस वजारत की मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं है। सबसे ज़्यादा मेरे लिए अहमियत रखता है एज अ पार्टी वर्कर मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक और मेरे चेयरमैन बिलावल का ट्रस्ट मेरे पे। ये जिम्मेदारी उनने मुझे दी है, मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझे दी है। जिस वक्त उनको लगेगा कि ये बात सही नहीं है, अगर मुझे महसूस भी हुआ, अगर मुझे ये फील भी हुआ कि वो मुरव्वत में और उसमें मुझे अगर बोल नहीं पा रहे तो आई विल इमीडिएटली रिज़ाइन। और अगर ये एविडेंस इस्टेब्लिश होता है कभी भी कि इस स्कैंडल में अगर मैंने 1 रुपए की भी करप्शन की हो तो मैं इस मिनिस्ट्री को क्या, मैं सियासत को अलविदा कहूंगा। सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़मान चयो त इहे बि कूड़ियूं खबरूं हलायूं पियूं वञनि त मुंहिंजे बैंक अकाउंट में पैसा मुंतकिल थिया आहिनि। मुंहिंजो रुगो हिकिड़ो ई बैंक अकाउंट आहे जंहिंमें का बि ट्रांज़ेक्शन नथी आहे। मुख़ालिफ़ कूड़ी प्रोपेगेंडा करे साख खे नुक़सान पहुचाए रहिया आहिनि। जन ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो हक़ रखां थो। मेरा पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली एक बैंक अकाउंट है, वो UBL में है। उसके मैं आपको नंबर दे देता हूँ और उस पर आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा के मैं भी आपको दे दूंगा। अगर एक भी ट्रांजैक्शन तो क्या, अगर एक ट्रांजैक्शन की खबर भी अगर ये निकले कि कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, ये सवाल पहले तो इट्स बिलो माई डिग्निटी कि मैं ऐसे जवाब पर, आप सीनियर हमारे दोस्त हैं और मैं ज़रूर इस पर बात करना चाहूँगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अपने बैंक अकाउंट जो एक ही है पूरी पूरी वर्ल्ड वाइड मेरा, वो आपको दूंगा और आप जाकर इसके स्टेटमेंट निकलवा के। मखदूम महबूबुज़मान चौधरी, मुझे वालिद मखदूम जमील जमान अड़ो को बयान ना है दिनो तो को पार्टी अंदर असा के ब्लैकमेल के पियो वने। पीपल्स पार्टी क़यादत सा तमाम पुरानो वेझो लागापो है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो असा ने मथा मुकम्मल एतमाद है। ये इस खबर की मैं इसको एब्सोल्युटली मैं कंडेम करता हूं। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मखदूम जमील जमान ने नहीं दिया और कॉन्सिक्वेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारा खानदान हमेशा से एक रहा है और एक ही रहेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। हर मुश्किल वक्त में पार्टी ने हमारा साथ दिया है, हम भी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। इसमें तावन या गैर तावन की बात निकलती नहीं है।
सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मान चो तो असां सदाई अवामी सियासत कई आहे ऐं डीसी मटियारी जी मुक़ररी जी बि का सिफ़ारिश न कई हुई। डीसी खे रूटीन ऐं कानून मूजिबि मुक़ररु कयो वियो हो। कैमरामैन शहज़ाद सां गॾु शब्बीर लाशारी, धरती टीवी न्यूज़, कराची।